अगर आपको कोई कॉल करता है तो ट्रू कॉलर पर उसका नाम डिस्प्ले होता है, पर उस नाम को आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियों की रेगुलेटरी बॉडी ट्राई द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब अगर आपको कोई कॉल करता है तो जिनके नाम से वो सिम लिया गया है वही नाम डिस्प्ले होगा। ट्राई ने दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले शख्स का नाम फोन स्क्रीन पर दर्शाने वाली सेवा शुरू करने की सिफारिश की है। ट्राई ने शुक्रवार को अपनी सिफारिश में कहा कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी कि CNAP अनुपूरक सेवा के तहत मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम दिखने की व्यवस्था को शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि यह सेवा को केवल ग्राहक के अनुरोध पर ही सभी टेलीकॉम कंपनियां मुहैया कराएंगी। जो लोग इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे उन्हें कॉल रिसीव करने से पहले पता चल जाएगा कि उन्हें कॉल कौन कॉल कर रहा है। इसके आने से फेक कॉल जैसी समस्या से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी। यह नई सेवा CNAP सुविधा चालू होने पर ग्राहक अपने फोन की स्क्रीन पर कॉलर का नाम देख पाएगा। ट्राई ने कहा कि सरकार को एक तय तारीख के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी फोन में CNAP सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार कंपनियों को उपयुक्त निर्देश जारी करना चाहिए। मोबाइल फोन कनेक्शन लेते समय भरे जाने वाले ग्राहक आवेदन फॉर्म में दिए गए नाम एवं पहचान डिटेल्स का इस्तेमाल CNAP सेवा के दौरान किया जा सकता है। के लिए एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रू कॉलर और भारत कॉलर जैसे ऐप कॉल करने वाले के नाम की पहचान और स्पैम पहचान की सुविधाएं देते हैं, लेकिन ये सेवाएं लोगों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित हैं, जो हमेशा ऑथेंटिक नहीं होती हैं। अब ट्राई ने सुझाव दिया है कि सभी एक्सेस सेवा प्रदाता अपने टेलीफोन ग्राहकों को उनके अनुरोध पर CNAP सेवा मुहैया कराए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।